हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, ये बिगोडल का मोबाइल है, अभी के टाइम में लेटेस्ट टाइम में आया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल है, अभी 2023 में ही आया हुआ है। ठीक है, ये आपको मैं दिखा दूँ, इसका जो मॉडल है आप देख सकते हो, बिगोडल का जेनवन सेट जो है ना, उस पर ये नीचे इसमें पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उसमें मेड इन बिगोडल लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसमें मेड इन बिगोडल लिखा हुआ होगा। तो अभी मैंने इसको फ्लैश करने की कोशिश की और इसको फ्लैश किया हूँ, आपको मैं दिखा दूँ। तो इसका मैं ये ढक्कन लगा लूँ, तो दोस्तों इसका ढक्कन लग चुका। अब मैं ये आपको ऑन करके दिखाऊँ, ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है मोबाइल, क्योंकि मैंने इसको फ्लैश किया हूँ। बिगोडल की फाइल निकाल के उधर I251 की फाइल गूगल पे मिल रही है, और हम मोबाइल की I251 की रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल मैंने गूगल से निकाल के इसको फ्लैश किया, ये फ्लैश करने से डेड हो चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मोबाइल बिल्कुल डेड हो चुका है, अब ऑन नहीं हो रहा है। तो अब इसको हम कैसे ऑन करेंगे? अब आप इसकी फाइल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसकी फाइल बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल पर अवेलेबल नहीं है। अभी के टाइम में मोबाइल आया हुआ है, तो अभी तक किसने भी इसकी फाइल नहीं दी है। ठीक है, तो इसको आज हम रिपेयर करके देखेंगे इस वीडियोस में। तो मेरे भाई, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड घंटे वाले बटन को प्रेस कर दें, तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अब हम इसको दोबारा फ्लैश करेंगे, लेकिन इसको कैसे फ्लैश करेंगे, क्योंकि इसकी फाइल तो अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रही है। तो अब आप भी बिल्कुल परेशान होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी परेशान था। अब सेट तो कोई भी आता है कस्टमर का होता है। ठीक है, तो कस्टमर और तो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसे तो ज़रूर बोलेगा कि भाई जैसा था वैसा तो करके दे दे। और ये मैंने जो फ्लैश किया हूँ इस मोबाइल को, सिर्फ नो सर्विस का प्रॉब्लम था, उसके लिए मैंने इसको फ्लैश किया है। ठीक है, अब कस्टमर का कहना था, मेरे भाई मोबाइल को ऑन करके दे दो, जैसा था वैसा दे दो। तो इसका बैकअप लिया था मैंने, लेकिन बैकअप सही तरह नहीं रीड हुआ, इसका जो फाइल है ना रीड नहीं हुआ, और वो बिल्कुल रीड फाइल होती भी नहीं है इस मोबाइल की, इस वाले मॉडल की। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल परेशान थे इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि भाई जैसा था वैसा करके दे दें। तो मुझे लगता है आप भी परेशान होंगे, तो मेरे भाई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, कैसे इसको हम रिपेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है I252 बिगोटेल। ठीक है, I252, उसकी फ्लैश फाइल निकाल के GSM अलादीन टूल है, उससे आप इसको रिपेयर करेंगे ना, राइट करेंगे, तो इसमें फाइल लग जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह वो वर्क करने लग जाएगी, लेकिन इसके सिस्टम जो है उल्टे हो जाएंगे। तो वो आपको वीडियोस मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इसकी फाइल वगैरह मैं सब कुछ आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, और चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उधर आपको सब कुछ ये फ्लैश करके भी दिखाऊंगा, और इसके जो सिस्टम है वो सारे आपको मैं दिखाऊंगा, और ये कैसे फिर वर्क करने लग जाएगा, क्या नहीं काम करेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियोज़ में दिखा देता हूँ। तो मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सब कुछ आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आपके पास कोई भी ब्राउजर है ओपन कर ले, मैं गूगल की रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो अब इसमें हम सर्च करेंगे बिगोटेल I252। ठीक है, I252 की फ्लैश फाइल निकालेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी फ्लैश फाइल को सर्च की थी, तो ये आपको दिखने में आएगी। ये है पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है, इसको ओपन करेंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, ये ब्लू कलर की आपको लिंक मिल जाएगी, इसको ओपन करें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते फिर से नीचे आएंगे, अब ये ग्रीन कलर की आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, अब ये आपको टूल भी निकालना पड़ेगा। इस फाइल को मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, ये GSM अलादीन का टूल जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला, अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये टूल ओपन हो जाए। अब ये ओपन हो चुका है, उसके बाद हम जाएंगे इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम जाएंगे मीडियाटेक पे, ये मीडियाटेक का ऑप्शन है,
उसके बाद ये राइट फ्लैश का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जिस जगह पे फाइल रखी हुई है वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लें। तो मेरी फाइल ये डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैंने वही लोकेशन दे दिया हूँ। फर्मवेयर में जाएंगे, ये फाइल जो है ओपन करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद डिवाइस मैनेजर ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मीडियाटेक के ड्राइवर उठाएगा मोबाइल, तो उसके बाद हम क्या करेंगे अपने मोबाइल को ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से और मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अब अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑफ करके बंद करके मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मोबाइल हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ये जो इसकी फर्मवेयर फाइल है फ्लैश फाइल वो इसमें राइट होगी, ठीक है। अब ये राइट हो रही है, अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो इसमें फ्लैश फाइल जो है राइट हो जाए। उसके बाद मैं आपको मोबाइल ऑन करके भी दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इस फाइल के बीच में हम छेड़खानी कोई भी नहीं करेंगे, मोबाइल को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अब भी थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ राइट डन लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद हम मोबाइल को निकालेंगे। तो मेरे भाई ये राइट डन लिखा हुआ आ गया है ये आपके सामने, तो अब आपने मोबाइल को निकाल लेंगे, इस टूल का काम खत्म हो चुका है। ये फुल फ्लैश मोबाइल हो चुका है, अब हम इसको ऑन करके देखेंगे ये ऑन होता है क्या नहीं होता और इसके सिस्टम कैसे हो गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, ये आप देख सकते हो। तो ये आप देख लो मेरे भाई, मोबाइल ऑन हो चुका है, लेकिन ये आप देख सकते हो स्क्रीन कैसी हो गई है, i252 जैसी, ठीक है। अब इसके हम ऐप्स वगैरह खोलेंगे, ये आपको मैं दिखा दूं, ये इसके ऐप्स वगैरह ऐसे हो गए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप भी परेशान हो गए होंगे कि ये हुआ कैसे है, तो आपको मैं सील भी इसकी दिखा दूं, ठीक है, सील दिखा दूं। ये आप देख सकते हो इसकी सील भी लगी हुई है। वैसे ज़्यादातर तो आप भी सोचेंगे इसका सर्किट चेंज हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं ना उसको तो कुछ पता होगा कि ये सारा कुछ फाइल का सिस्टम होता है, ये ऐसे इसको फाइल ही कर सकती है, ठीक है। तो ये सारा मोबाइल i252 हो चुका है, इधर 51 है कैसिंग 51 की, लेकिन मोबाइल सारा जो है ना सर्किट इसका i252 का हो चुका है। अब मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा देता हूँ, इधर मॉडल दिखा दूँ आपको। आगे हम जाएंगे ब्लूटूथ में, ब्लूटूथ में जाने के बाद ये आप देख सकते हो, इधर नेम में जाएंगे, माय नेम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कौन सा नेम आ रहा है, i252। तो मेरे भाई ये बिल्कुल i252 हो चुका है, और इसकी रिंगटोन वगैरह मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। इधर हम जाएंगे और इसकी रिंगटोन को बजाएंगे, ठीक है, आपको मैं बजा के दिखा देता हूँ इसकी रिंगटोन कैसी बजती है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें i251 की कोई रिंगटोन भी नहीं होगी, ठीक है, टोन कोई भी नहीं होगी, ये सिर्फ आप काम करेगा i252 जैसा, जो कुछ i252 जो करता है ना वही काम करेगा, वैसे ही रहेगा, वैसे ही चलेगा, वैसे ही बजेगा, ठीक है। तो आपको पहले ही कस्टमर को बता देना है, तो कस्टमर आपको बोलेगा कि बना ले, हमें सिर्फ बना के दे दे, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे जो कुछ करना है कर ले, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।